वेलकम दोस्तों, पैटर्न प्रिंटिंग इन सी के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 7 डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स पर काम किया हुआ है और जैसा आप देख सकते हो, स्क्वायर के सारे रिलेटेड जितने भी पैटर्न्स हो सकते हैं हम लोगों ने उस पर सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके लॉजिक के बारे में पहले और देखते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी इस फिगर को बनाया हुआ है और आपको समझाने के लिए हमने ये रो एंड कॉलम्स के टर्म्स में ही हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम शो कर रहे हैं वो 5 है और टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो भी 5 है। देख सकते हैं आप लोग, ये नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है और रो भी 5, यानी 5 रो और 5 कॉलम के ही ट्रायंगल की हम बात करेंगे। सो, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो अगर हम पहले रो को देख रहे हैं तो पहले रो में सिर्फ एक कॉलम्स है। उसी तरह अगर सेकेंड को देखें तो दूसरे रो में 2 कॉलम्स दिख रहे हैं। उसी तरह तीसरे रो को देखें अगर तो तीसरे रो में देखिए 3 कॉलम्स हैं। उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि चौथे में 4 कॉलम्स होंगे और पाँचवें में 5 कॉलम्स होंगे, छठे में 6 होंगे, सातवें में 7 होंगे। तो इसका क्या सेंस निकल कर रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे जैसे नंबर ऑफ रो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि रो कहीं ना कहीं बेस्ड कर रहा है कॉलम्स को। तो हम जो लूप चलाएंगे उस लूप में हम करेंगे ये कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रो की संख्या हमारी बढ़ती जाए वैसे वैसे कॉलम की संख्या भी बढ़ती जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रो होगा वो कॉलम पर, सॉरी, जो हमारा कॉलम होगा वो रो पर निर्भर करेगा या डिपेंड होगा। सिंपल सी बात है कि हमारा नंबर ऑफ कॉलम रो के अकॉर्डिंग ही बढ़ सकता है। जैसे जब तक रो बढ़ता रहेगा तो हमारा कॉलम भी बढ़ता रहेगा। आइए इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन n और i प्लस प्लस, ये हमने नंबर ऑफ रो के लिए हमने ये कॉलम चलाया, सॉरी लूप चलाया है। और जैसा हम बोल रहे हैं कि कॉलम जो है वो रो पर डिपेंडेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो लाइन हमने लिखा कि j इज लेस देन इज इक्वल टू 1, सॉरी i, तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं ये क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स को ये बता रहा है कि इस पॉइंट पर हमने क्या किया कि कॉलम को अपने रो पर डिपेंड कर दिया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रो बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कॉलम भी बढ़ेगा। और यहाँ पर हमने प्रिंट किया अपने स्टार को एंड देन उसके बाद हमने प्रिंट किया न्यू लाइन फॉर स्लैश एन। एक बार जैसा कि इसको ड्राई रन करके चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस जगह पर। सपोज़ करते हैं कि एन में हमने लिया हुआ है 5 एज अ नंबर ऑफ रो, तो ऐसे में यहाँ पर ये लूप स्टार्ट होगा 1 से और कंडीशन को चेक करेगा तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो वही अंदर चला गया और जिस जे के पास आएगा, जे स्टार्ट करेगा बिगिन से यानी जे इज इक्वल टू 1 से, और इस लाइन पर यहाँ पर हम लिखते हैं 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है क्योंकि एक एक के बराबर तो है। जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो उसने एक स्टार प्रिंट किया, करने के बाद अब ये जे की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया और जे यहाँ पे हो गया 2। अब यहाँ पे जे की वैल्यू को चेक करेगा तो 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स होने की वजह से लूप रुक जाएगा और फिर ये चला जाएगा न्यू लाइन की तरफ यानी यहाँ पर। और यहाँ जाने के बाद ये लाइन को चेंज करेगा एंड देन उसके बाद फिर ये जाएगा आउटर लूप की तरफ जो आपका यहाँ पर है। और यहाँ पर i की वैल्यू को इंक्रीज करके कर दिया इसने 2, फिर इसने कंडीशन को चेक किया 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। जैसे ये ट्रू होगा वैसे ये तुरंत चला जाएगा इंटरनल लूप की तरफ जो यहाँ पर है और यहाँ ये स्टार्ट करेगा 1 से और अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन इज इक्वल टू i की वैल्यू इस समय हो चुकी है 2, तो इस सिचुएशन पे कंडीशन ट्रू हो रहा है तो उसने एक स्टार प्रिंट किया। देन इसके बाद यहाँ से j की वैल्यू को इंक्रीज करके उसने कर दिया 3 और अब फिर ये वापस से कंडीशन को चेक करेगा इस पोजीशन पर
तो यहाँ पर 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, अगेन ये कंडीशन ट्रू है, जैसे ये ट्रू है तो इसने एक और स्टार को प्रिंट किया और करने के बाद अब ये की वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 3, फिर इसने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पर आ गया 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 2। देख सकते हो कि यहाँ पर आपका लूप जो है वो रुक गया, और रुकने के बाद ये लाइन को चेंज करेगा, इस जगह से आएगा और लाइन को चेंज करने के बाद और ऐसे करते हुए फिर ये आई की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ऊपर गया, और इस बार आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 3, और वापस से इसने क्या किया कि कंडीशन को चेक किया, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अब ट्रू है तो ये वापस से जाएगा इंटरनल लूप की तरफ जो कि आपने बनाया हुआ है यहाँ पर, अब ये स्टार्ट करेगा 1 से और इस बार कंडीशन को चेक करेगा तो ये लिखेगा 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, जब ट्रू है तो ये चला गया प्रिंट अप की तरफ और यहाँ पर एक स्टार उसने प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद फिर ये जे की वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 2, फिर ये कंडीशन को चेक किया, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, जैसे ये ट्रू है तो फिर इसने एक और स्टार को प्रिंट किया और यहाँ पर ये एक और स्टार प्रिंट हो गया। फिर उसी तरह से ये जे की वैल्यू को बढ़ाएगा और जे की वैल्यू बढ़ के उसमें हो गई है 3, फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, जैसे ये ट्रू है तो फिर ये प्रिंटर की तरफ बढ़ेगा और इसने एक और स्टार प्रिंट किया, और ऐसे करते हुए ये आपकी पूरी ट्राइंगल शेप में पैटर्न्स को प्रिंट कर देगा। तो अगर आप आइए इस कोड को एक बार रन करा के चेक करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इसी जगह पर हमने फॉर लूप चलाया और आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन इज इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, देन उसके बाद हम इंटरनल लूप चलाएंगे जे इज इक्वल टू 1 से जे लेस देन इज इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस, देन हम प्रिंट कराएंगे स्टार को अपने और ये हमारा स्टार प्रिंट हो गया, देन उसका प्रिंट अप और लाइन को चेंज भी करते रहते हैं, लाइन को हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। आइए रन करा के चेक करते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो ये नंबर ऑफ रो हमने 10 दिया और आप देख सकते हो कि आपको आपकी पैटर्न मिल गई। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और इस चैनल से जुड़िए जहाँ पर हम बहुत सारे कोड्स की बात करेंगे और कोडिंग करना सीखेंगे जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। थैंक यू।